तो भाई आ गया है एक और मार्वल शो का एक और ट्रेलर। तो सी हल्क का ट्रेलर आ गया है, वो भी शायद सुबह 3:30 या 4 बजे के आसपास, जो कि मार्वल की तरफ से 8वीं वेब सीरीज है। तो यार सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं यार, मतलब इसकी क्या ही जरूरत थी? मतलब हमारा जो हल्क है उसको तुम फूल कुमारी बना के घुमा रहे हो, उसकी मूवी नहीं निकाल रहे और यहाँ सी हल्क निकाल रहे हो। अरे यार मार्वल वालों, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो यार, हमें हल्क की मूवी देखनी है, हल्क की मूवी निकालो यार। मतलब तुमने आयरन मैन को मार दिया, वो हम सब ने सह लिया। तुमने कैप्टन अमेरिका को बूढ़ा कर दिया, वो हम सब ने सह लिया। हमारे अच्छे खासे थॉर को भैंसा बना दिया, वो हम सब ने सह लिया। और यहाँ तक कि हल्क को संस्कारी मोहित बना दिया, वो भी हम सब ने सह लिया। वैसे तो सहने के अलावा क्या ही कर सकते हैं। लेकिन तुमने जो हल्क की खिचड़ी बनाई है और इतने अच्छे खासे कैरेक्टर को बर्बाद कर दिया है एमसीयू में, और इसकी कोई सोलो मूवी नहीं निकाल रहे हो, ये हम लोग बिल्कुल नहीं सहेंगे। मतलब यार तुम सी हल्क निकाल रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम वो भी देखेंगे, तुम जो दिखाओगे वो देखेंगे, लेकिन तुम हल्क की मूवी भी निकालो यार, क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? हमें वही गुस्से वाला हल्क देखना है जो कि पूरा दुनिया तबाह कर सके। ठीक है, अब सी हल्क का ट्रेलर आया है तो उसकी बात करते हैं। तो मैंने सी हल्क का ट्रेलर देखा और उसे देखने के बाद मेरा फर्स्ट रिएक्शन था, ये तो टट्टी है। इसे देखने के बाद ये तो समझ आ रहा है कि कुछ नया देखने को तो मिलेगा, लेकिन वही डिज्नी वाले चुतिया आपके साथ, क्योंकि हमारे हल्क भाई साहब अपने उसी स्मार्ट अवतार में बने हुए हैं। पर ये कहानी बेस्ड होगी फीमेल हल्क पर, यानी के सी हल्क पर, जो कि गमोरा 2.0 लग रही है। और मैं आपको बता दूं कि सीरीज के 6 नहीं 9 एपिसोड होंगे और हर एपिसोड ऑलमोस्ट आधे घंटे का होगा। और मार्वल के एक सोशल पोस्ट से ये भी कन्फर्म हो जाता है कि ये सीरीज इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम में भी रिलीज होगी। सो हिंदी फैंस खुश, ये सीरीज हिंदी में भी आने वाली है। एंड मार्वल, थैंक यू फॉर दिस, वी लव यू मार्वल, बस हल्क के एक मूवी दे दो यार। बाकी शी हल्क का जो टाइटल है, शी हल्क एटर्नी एट लॉ, तो ये तो कंफर्म है कि ये एक सुपर नेचुरल सुपर ह्यूमन लीगल कॉमेडी ड्रामा होने वाली है, जिसमें जेनिफर वॉल्टर एक लॉयर है जो की अपना डेयर डेविल भी है, इसको भी दिखा दो यार सीरीज में। और उसे एक मौका मिलता है एक ऐसे डिविजन में काम करने का जो की लॉ डिपार्टमेंट में अभी अभी शुरू हुआ है, सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन, जिसमें शायद उसे ऐसे केसेस लड़ने हैं जिसमें सुपर ह्यूमंस इन्वॉल्वड हो, पर बाद में वो खुद भी सुपर ह्यूमन में चेंज हो जाती है, ऑफ कोर्स अपने कजन ब्रदर की वजह से, यानी कि हमारे ब्रूस बैनर की वजह से। पर फिलहाल अभी इस ट्रेलर में ये नहीं बताया गया कि उसको अपनी पावर्स कैसे मिली, पर जिनको थोड़ा बहुत भी कॉमिक बुक का नॉलेज है उनको पता होगा कि ब्रूस बैनर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से ब्रूस की सारी पावर्स जेनिफर को मिल जाती है और वो बन जाती है हल्क, शी हल्क। फिलहाल इस ट्रेलर में ज्यादा कुछ तो नहीं दिखाया गया, पर कुछ कैरेक्टर्स की हल्की हल्की झलक हमें देखने को मिलती है, लाइक अबोमिनेशन नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में भी और मॉन्स्टर फॉर्म में भी, और एक ग्रीन सूट पहना हुआ एक कैरेक्टर है जो कि देखने में कुछ फनी सा लग रहा है। और इस सीरीज की जो मेन विलन होने वाली है टाइटेनिया, उसकी भी झलक हमें देखने को मिल गई है। और मुझे इसके ट्रेलर में इसका CGI और VFX बहुत ही बेकार लगा, पता नहीं ये डिज्नी वाले इतने पैसे क्यों बचा रहे हैं, पर हो सकता है इसको आगे जाके ये लोग ठीक कर दें। बट देखते हैं कि मार्वल की फेज 4 में आने वाली इस सीरीज का मार्वल की बाकी मूवीज और सीरीज के साथ कैसे कनेक्शन बनता है। ये सीरीज स्ट्रीम होने वाली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 17 अगस्त से एवरी वेंसडे दोपहर 12:30 बजे। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।